प्यारे दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुमैरा में स्वागत है। मैं हूँ हुमैरा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर सिक्स उर्दू की बुक का। तो उर्दू की जो बुक है आपकी जान पहचान की उर्दू की बुक, उसमें जो क्लास सिक्स की जो होती है ना उसका सबक नंबर थर्ड आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने दो वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, सबक नंबर एक और सबक नंबर दो। इन दोनों ही वीडियो की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आपने देख लिए तो फिर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबक नंबर तीन। तो ये जो चैप्टर है सबक नंबर तीन आपका जो है क्लास सिक्स का है। और अगर आप क्लास सिक्स में नहीं हैं और अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं, अपनी पूरी सीरीज़ को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर है नून, ठीक है। नून के बाद है या और फिर यह है ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली ये है या, ठीक है। क्या है ये या, अगर हम इसकी बात करें तो उर्दू में इसको हम ई के आवाज़ से, अगर इसकी आवाज़ के बारे में बात करें तो इसकी आवाज़ कैसे निकलेगी, ई और इसकी ए की, ठीक है। अभी आगे मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से निकलेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो नून से क्या होता है, नून से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नून से नदी। नदी तो आप सभी ने देखी होगी और नल तो हम सभी के घर में होता है, रोज़ाना यूज़ कर जाता है नल, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो या है ये खाली होता है, और ये जो या है, सॉरी, ये जो या है, या से क्या होता है, या से ये है यक्का, ठीक है। और ये है यो यो, और ये वाला जो या होता है ये होता है खाली, जैसे बड़ा खाली होता है ना वैसे होता है ये। अब आप सोचोगे कि ये जो ऐसे एड़ी होता है ये तो खाली नहीं होता, ऐसे एड़ी से तो बहुत सारे अल्फाज होते हैं, मतलब बहुत सारे शब्द होते हैं। तो आप जो है ये समझिए कि ये उर्दू है, हिंदी में होता है लेकिन उर्दू में इसकी आवाज़ कैसे निकलेगी, ए की, इसकी आवाज़ ये की निकलेगी, बस आवाज़ निकलेगी लेकिन इसमें से कोई शब्द जो है वो नहीं आएगा, ये बस पीछे यूज़ होगा। अभी आपको समझ में आएगा, अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे मैं आपको वीडियोज़ में बता रही हूँ, आप उस इस वीडियो को पूरे एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, अब देखो, अब ध्यान से देखना जो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो है ये है नाप, क्या लिखा है, ये है नाप। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये क्या है, न, ठीक है, ये क्या है, न, इसके अंदर अलिफ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आकार डंडा हो जाएगा ना। और ये क्या है, ये है पा, तो क्या हो गया, नाप, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो गया, नाता, और ये नाना, ठीक है। इसके अंदर अलिफ जुड़ा हुआ है सबके अंदर। देखिए अगर मैं लिखूँ पापा तो कैसे लिखा जाएगा, पहले हम पा बनाएंगे, उसके अंदर अलिफ जोड़ देंगे, फिर पा बनाएंगे, उसके अंदर अलिफ जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पापा हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर नाप, नाता, नाना, आना, बाना, पाना, ताना, आन, बान, तान, पान, नान। अब देखिए इसके अंदर सबके अंदर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आखिरी हुरफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिख रहे होंगे, इन सब में अलिफ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो है अलिफ पीछे नहीं जुड़ा हुआ, पीछे क्या है, नून है, पीछे सबके पीछे नून है, तो इसमें अलिफ नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर आ की आवाज़ आएगी नहीं। जिसके अंदर अलिफ जुड़ा होता है यानी आखा डंडा होता है, उसके अंदर आ की आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है, आ की, जैसे आना, बाना, पाना, ताना, ठीक है। और इसमें अलिफ नहीं जुड़ा हुआ तो इसमें कैसी आवाज़ आएगी, आन, बान, तान, पान, नान, ठीक है। और अब देखिए नीचे क्या है, नीचे इसमें आगे ये जो ये वाला ये था ना, ये वाला ये है, ठीक है, ये वाला जो ये था ना ऐसा करके कुछ, हाँ, तो ये वो वाला वे है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये क्या है, बेन, तीन, बीन, तीन, तीन, पीना, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो है ये वाला ये आ गया इसके अंदर, ठीक है, ये क्या है, बे, बी, इसमें दोनों ही ये आ गए, ठीक है, इसमें ये वाला भी आ गया, इसमें जो है ये वाला भी और ये वाला, दोनों ही आ गए इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर बता रही हूँ मैं आपको, बेबी, बेटी, बेटा, आते, इसके अंदर ये वाला ये है, ठीक है, आपको पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है, इन सभी में जब भी तो आपको आएगा, आने, पापे, बेटे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, यानी ये जो है ये एक्स्ट्रा है, मतलब एक्स्ट्रा आपको पढ़ने के लिए दी गई, ठीक है। ये क्या है, बैन, पैन, नैन, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऊपर जो है क्या लगाए हैं, ज़बर लगा रखा है, ठीक है, आपको आगे भी बताऊँगी मैं ज़बर की सबक जो है नेक्स्ट सबक है ज़बर का। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है आया, ताया, पाया,
ये आपको खुद से पढ़ने भी है, वीडियो को पॉज कर करके पढ़िए। अभी देखिए नीचे एक्टिविटी आ गई, आपको जो है अपनी नोटबुक बनाइए, उसके अंदर आपको ये करते चलना है। तो यहाँ पर नून लिखना है, तो कैसे बनाएंगे नून? सबसे पहले हम यहाँ से इसे याद रखना, जब भी हम कुछ भी बनाएंगे उर्दू में तो हमें क्या करना होगा, हमें हमेशा इधर से स्टार्ट करना है, ठीक है? ये नहीं कि हमने इधर से स्टार्ट कर दिया, हमें हमेशा किधर से स्टार्ट करना है, हमें हमेशा इधर से स्टार्ट करना है और ऐसे हमारा नून बनेगा, ठीक है? तो ये नून जो है आप अपनी कॉपी में नोटबुक में बनाने की कोशिश करिए। जब भी आपको आएगा नून के बाद अब यहाँ पर आ जाएगा छोटी या, ठीक है? वैसे हम इसको छोटी या बोलते हैं, इसको बढ़िया, ठीक है? तो ये हम अपने समझने के लिए बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ये, ठीक है? ऐसे कर कर ऐसे कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है? इसके अंदर मार्कर थोड़ा सा चल नहीं रहा, लेकिन आप अपनी नोटबुक के अंदर बहुत अच्छे से खूबसूरत कर कर बनाएंगे। ये है बड़ा, ये तो कैसे बनाएंगे? ऐसे पहले ऊपर से ऐसे करेंगे, फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है? ऐसे सिंपली ऐसे बनाना है, ज़्यादा कुछ वो नहीं करना, ठीक है? तो ये बन गया हमारा पूरा। आपको ये एक्टिविटी पूरी करनी है। अब आते हैं दूसरी एक्टिविटी पर। इस एक्टिविटी में आपको जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है कि ये क्या है लिखा हुआ, ठीक है? तो अब देखिए ये आपको कैसे समझ में आएगा कि ये क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये क्या है। ये है पा, पा के अंदर अल्प जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पा, ठीक है? फिर ये क्या है? ये है यी। इसके अंदर मैं ऐसे लगा दूंगी नुक्ता तो क्या हो जाएगा? ये इतना अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ना, तो ना के अंदर अगर देखिए, रुकिए आप देखिए यहाँ से देखिए, अगर मैंने यहाँ नुक्ता लगा दिया तो ये क्या हो गया? पान, ठीक है? अगर मैंने इसके अंदर यह जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? पानी, ठीक है? तो ये क्या हो गया? पानी। और ये हो गया इसके आगे पीना, ठीक है? पा, पा हो गया, ठीक है? पा के बाद यह इसके अंदर जोड़ दिया, फिर इसके बाद नून और नून के अंदर अलिफ, तो पीना, ठीक है? तो ये समझ में आ गया होगा, पानी पीना, तीन पान, नाना नानी, बेटा बेटी, बेबी आना, बेटा बेटी आना, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा तो जो भी मैं पढ़ रही हूँ मेरे पीछे पीछे आप पढ़ने की कोशिश करिए, जब भी तो आपको उर्दू आएगी। तो चलिए आप देखते हैं आगे, ये कौन सी एक्टिविटी है आगे दे रखी है हमें। तो इन लफ्ज़ों को लिखना है हमें, ठीक है? तो कैसे लिखेंगे? पहले अलिफ, फिर ये हमारा ऐसे, ये क्या हो गया? अलफ, अलिफ मज़बर आ, ठीक है? यहाँ पर हो जाएगा नून, तो ये क्या हो गया? आन, ठीक है? क्या हो गया? ये हो गया आन। तो मैं आपको जो है एक दो वर्ड बना के दिखा देती हूँ, आपको खुद बनाने सारे, और ये आपको अपनी कॉपी में करना ही है, ठीक है? ये क्या हो गया? ये हो गया नाप, ठीक है? क्या हो गया? नाप, ये हो गया नाप, ठीक है? और ये बीन, ये हो गया हमारा बीन, ठीक है? ये हो गया बीन, रुकिए मैं आप, हाँ अब देखिए ये हो गया क्या? ये हो गया हमारा बीन, ठीक है? ये बीन और ये हो गया बेबी। आपको ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा दिखने में, क्योंकि मार्कर जो है स्क्रीन पर नहीं चल पा रहा है, ठीक है? तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया पाना, ठीक है? ये क्या हो गया? ये हो गया पाना, ठीक है? तो ये आपको जो है पूरे इसमें एक्टिविटी को आपको करना है। अगर आपके पास बुक है तो आप अपने बुक में कर लीजिए, नहीं है बुक, और अगर आप मतलब क्लास सिक्स के नहीं है फिर भी आप ये वीडियोस को देख रहे हैं तो आप अपनी एक नोटबुक बनाइए और ये सारी एक्टिविटीज़ को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए, ठीक है? अब चलिए नीचे देखते हैं। ये एक्टिविटी जो है ये बड़े मज़ेदार वाली एक्टिविटी है। तो नीचे जो है हमें नुक्ते लगाने, क्या करना है हमें? नुक्ते यानी बिंदियाँ लगानी है, बिंदियाँ अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो, ठीक है? तो इसमें नुक्ते लगाने, तो ये क्या है देखिए, अगर मैं नीचे नुक्ता लगा दूँ, नीचे नुक्ता लगा दूँ तो क्या हो गया? ये हो गया बाबा, ठीक है? और अगर मैं यहीं पर, चलिए बाबा कर देते हैं, यहाँ पर हम जो है एक नुक्ता इसके अंदर और एक नुक्ता इसके अंदर लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा नाना, ठीक है? ये नुक्ता सही जगह पर क्यों नहीं लग रहा? लग गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया नाना, ठीक है? ये हो गया बाबा नाना। अब हम यहाँ पर बनाएंगे पापा, ठीक है? तो हम पापा के लिए कितने नुक्ते लगते हैं? तीन नुक्ते लगते हैं, ठीक है? एक नुक्ता, दो, तीन नुक्ते नीचे लगाएंगे हम, ठीक है? आप समझ जाइए, ठीक है? क्योंकि इसमें जो है ये चल नहीं पा रहा मेरा मार्कर, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ऐसे नीचे आपको तीन नुक्ते लगाने हैं, ठीक है? नीचे आपको तीन नुक्ते लगा लेने हैं, ठीक है? यहाँ पर हम नाना, पापा, बाबा, और यहाँ आ जाएगा हमारा क्या? टाटा, ठीक है? यहाँ पर हम बान, ठीक है? यहाँ पर आ जाएगा पान,
ये नुक्ते सही से नहीं लग पा रहे, मार्कर सही से चल ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बान पान नान, और यहाँ पर आ जाएगा टान। ठीक है, तो आप समझ जाइए टान में ऐसे 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 लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा बात बा बाप बाब, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ताप। ठीक है, ये ताप। ठीक है, जो भी यहाँ पर आ जाएगा पानी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा नानी। ठीक है, तो ये हो गया नुक्ते, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया ना तो मेरे को कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना, अगर नहीं समझ में आए होंगे नुक्ते वाले तो। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये है हमारे एक्टिविटी है ये भी, हुरूफ का खेल। ठीक है, हमें हुरूफ का खेल, एक्टिविटी का नाम क्या है, एक्टिविटी का नाम है हुरूफ का खेल। ठीक है, तो मैंने ख्याल पढ़ दिया था, वो गलती हो गई थी। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब देखिए जैसे यहाँ पर है ब अलिफ, तो यहाँ पर आपको अलिफ दिख रहा होगा, अलिफ लगाना है हमें। तो ये क्या हो गया, बा के अंदर अगर हम अलिफ जोड़ेंगे और तो, क्या हो गया बात, और ये ना नून डैश नून, तो हमें सब में अलिफ जोड़ना है। पहले हम अलिफ लिख देते हैं। ठीक है, सब में अलिफ अलिफ लिखना है, बस अलिफ अलिफ लिख देना है हमें और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया नान बाट नाप तान ताट ताप पान। ठीक है, तो ये हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब नीचे देखते हैं नीचे क्या है। नीचे यहाँ पर लिखा है बात। ठीक है, क्या लिखा है, बात। यहाँ पर हमें सब जगह लिखना है बात। अगर आप क्लास सिक्स के हैं ना, अगर आप क्लास सिक्स के स्टूडेंट हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसी में से ही बनने वाला है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये वीडियो को अच्छे से आप देख लीजिए और सीख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बात बात बात, हम बात ही करते रहते हैं। ठीक है, अब हमने इतनी सारी बार बातें करते करते हमने सारा बात लिख लिया। ठीक है, तो चलिए ये एक्टिविटी यहाँ पर हो गई। अब देखते कोई एक्टिविटी नहीं है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर फिश दिख रही होंगी आपको, जहाँ पर से बबल निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एंड हो गया चैप्टर का सबक, एंड सबक जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो चलिए ये जो है हमारा चैप्टर है, इस पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लीजिए वीडियो। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ में आया हो ना ज़रा सा भी, तो आप मेरे को जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोग देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सबक में, सबक नंबर 4 में मिलेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुमैरा को। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी अपडेट आपको मिल जाए।